गोंदिया भदनरा जिले में कुनबी समुदाय की कई सामूहिक समस्याएं जिनका समाधान सभी को मिलकर करना है। इसके बिना विकास नहीं होगा और यह हमारी जिम्मेदारी है। ऐसी चुनौती महाराष्ट्र विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष विधायक नाना पटोले ने व्यक्त की। सांसद सुनील मेढे ने संस्था द्वारा विद्यार्थियों के लिए छात्रावास एवं पुस्तकालय निर्माण की अवधारणा की सराहना की और कुनबी समुदाय गोंदिया के छात्र छात्राओं को समाज में भावी पीढ़ी के निर्माण की योजना के लिए युवा कुनबी संगठन को बधाई दी। परिणय फूके ने कहा, हमें इस तरह के उत्कृष्ट काम को देखकर गर्व है और मुझे इस तरह की योग्य पीढ़ी बनाने के लिए परियोजना में सहयोग करने का सौभाग्य प्राप्त करने पर गर्व है। सभी गणमान्य व्यक्ति समाज भवन वस्ती गृह में बोल रहे थे। युवा कुनबी संगठन द्वारा वाचनालय भूमि पूजन समारोह आयोजित इस अवसर पर गोंदिया जिला दुग्ध संघ के अध्यक्ष रामलाल चौधरी, राजू कूठे, मधुकर फूंडे उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व विधायक एवं युवा कुनबी संगतना गोंदिया के अध्यक्ष रमेश कूठे ने की। रैली में महिलाओं के साथ माननीय नाना पटोले, सांसद सुनील मेहड़े, डॉक्टर परिणीति फूके और पूर्व विधायक रमेश कूठे भी गोलियों से भुन गए थे। गोंदिया में कुनबी समुदाय के कई गणमान्य व्यक्ति भी रैली में शामिल हुए। संगठन के संयुक्त सचिव दुली चंद्र राव बुद्ध, संगठन के सचिव गजेंद्र फंडे और संगठन के उपाध्यक्ष लीलाधर पाथोड़े ने परिचयात्मक टिप्पणी की। एस एन भाईकर, महादेव मेड़े, मोरेश्वर कूठे, बीआई मेड़े, प्रदीप चम्मत, सीए राजेश चतुर, एडवोकेट वसंत चूटे, एडवोकेट रामकृष्ण चौधरी, शैलेश अहिरकर, दिनेश भाईकर, पुरुषोत्तम ठाकरे, सुशांत कूठे, थाकर सर, संतोष थावरे, नीलेश भाईकर, राजेश तावड़े, चंद्रकांत तारोन, छोटू पंचबुद्धे, अनिल सेलुकर, प्रशांत कोरे, पडोले सर, प्रशांत देशमुख, राहुल फेडनकर, प्रतीक भाईकर, देवेंद्र फोंडे, विनोद माटे, गुड्डू बोहरे, भूपेश कूठे, प्रकाश पाथोड़े ने अथक परिश्रम किया। गोंदिया से बीसीएन न्यूज के लिए अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट।